सुबह शाम रोज यहाँ से पानी भरते हैं, गंदा पानी हमारे बच्चे पीते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी। ते वो कहते तुम जुग्गी से आयो, शामनगर के जुग्गियों से आयो, कह रहे जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे बोल। क्या मेरे को हार्ट अटैक पड़ गया था, मेरी बहन लेके आई है और किसी ने पानी तक चड्ढा के पास गए उसने भगा दिया, चंदेला के पास गए उसने भगा दिया, कह रहे थोड़े दिन रुक जाओ तुम्हारी जुग्गी ही सफाया करेंगी। के रात को 10 बजे के बाद शौचालय के अंदर समय किए रहते हैं, जिनसे नशा करने वाले लोगों से हम लोगों को बहुत डर है। जब वो आदमी से लड़ जाते हैं तो लेडीज और बच्चों का क्या कहना। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारे पैर कपड़े सारे गीले हो जाते हैं और मैं यहाँ पे 2-3 बार गिर भी चुका हूँ, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है हमें यहाँ से। पुलिस को सब पता है, यहाँ अपनी गुंडागर्दी होती है, सब कुछ होता है, पर आके कोई देखने को राजी नहीं है। मीडिया वालों को बुलाया था, मीडिया वाले साफ करेंगे अब यहाँ पे आके, ये बोल के चले गए वो। चड्डा के पास जाओ, चड्डा कहता चंदेला के पास जाओ, चंदेला कहता चड्डा के पास जाओ, ये दोनों का मतलब ये हम मान ले कि MLA और निगम पार्षद दोनों के बीच में फंसी है जनता। दोनों के बीच में फंसी है जनता, जनता को बहुत परेशान कर रखा है, कभी इधर भगाते हैं कभी उधर भगाते हैं, पानी है, गंद मचा रखा है दुनिया का। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं ईशा आपका स्वागत करती हूँ झलको दिल्ली में, और अभी हम मौजूद है रजौरी विधानसभा के श्याम नगर सिकरी भट्टा में, जहाँ जानेंगे यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि तरह से पानी भरा हुआ, यहाँ ना सीवर ना नाली, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। लोगों के घर में जो भी जिस भी तरीके से पानी का इस्तेमाल होता है वो सारा का सारा जमा हो जाता है यहाँ पे, जिसमें लोगों का जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार बच्चे भी गिर जाते होंगे। जिस तरह से आप देख सकते हो मेरे पीछे वो दिखा रहे किस तरह से पानी यहाँ जमा है, गंदगी भी है। तो यही बातें इनसे जानेंगे, यहाँ की जनता से, इनको क्या समस्या है यहाँ पे, किस कदर परेशान है। कंचन जी, इस तरह की समस्या ये कब से है? ये समस्या पूरे 3 महीने से है हमारे साथ। हम जब भी जाते हैं, हमारे जो यहाँ का MLA है वो आते हैं, अपना काम कुछ नहीं करते, बोलते कि हमारे हाथ में नहीं है, इतना बोल के यहाँ से चले जाते हैं, कहते हम नहीं करेंगे, दूसरे के पास जाओ। धक्के खा रहे हैं, 3 महीने हो गए हमें यहाँ परेशानी से, और यहाँ पानी इतना भरा हुआ है, छोटे बच्चे हैं हमारे आते जाते हैं, बहुत परेशानी हो रही है हमें यहाँ पे, हर चीज़ को लेकर के परेशानी है। यहाँ पे क्या क्या समस्या है माँ? समस्या बेटा यही है, पानी का निकास नहीं है हमारा, कोई किसी के पास जाते हैं सब मना कर देते हैं, इतने छोटे मोटे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे सारे इसमें गिर जाते हैं। रात के टाइम में यहाँ बत्ती भी नहीं है, बत्ती बिगड़ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं है, हमारी सुविधा तो है ही नहीं, कोई सरकार क्या कर रहा है हमारे लिए। जैसे कि हमने देखा अम्मा की नाराज़गी है, ये पोल है जिस पे लाइट लगानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, पर यहाँ पे किसी भी तरह की लाइट नहीं है, जनता के आने जाने में काफ़ी समस्या होती है, पानी का भराव भी है और लाइट अंधेरा, जैसे कि रात हो जाती है, रातों में अंधेरा हो जाता है, तो इस दौरान जाने में काफ़ी समस्या होता है। मेरा गेट जाके देखो कि किस तरीके से तोड़ रखा है, ईंटें मार मार के, पत्थर मार मार के बहुत बुरे हाल कर रखे, देखो आँख से। किसने मारा है? ये लड़के आते हैं रात में अंधेरे में, अब किसे बता दें। स्कूटी मेरी यहाँ खड़ी थी, स्कूटी में भी आग लगा दी, अब किसे बोलूँ मैं, अब बोलूँगी तो मार खाऊंगी। क्यों, मतलब गुंडागर्दी चलता है? हाँ, गुंडागर्दी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है, हद से ज़्यादा। अगर जो बोले तो समझो वो चक्कू तलवारें चले यहाँ पे, ईंटे रोड़े चलते हैं, हाथापाई करते हैं यहाँ पे, बहुत गुंडागर्दी है यहाँ। पुलिस की कोई यहाँ पे कोई मदद ही नहीं है पुलिस की। देखो नाला द्वार भरो है, ये तो सब कुछ सभी कोई जानती, कंप्लेंट भी करी है, और का कंप्लेंट भी कई बार कर चुके हैं, जा भी चुके हैं, मगर सुनता कोई नहीं है। तो ये जो काम हुआ है यहाँ पे, ये कब हुआ था, कितना पहले हुआ था यहाँ पे काम? 4 साल पहले ही हुआ है, उसके बाद तो हुआ ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा देखने के लिए। आज अभी हुआ, जितनी रिपोर्टें लिखवाते हैं उतनी बस कहते हैं जी गाड़ी भेज रहे, गाड़ी भेज रहे, गाड़ी अभी तक आ ही रही है। कितनी गाड़ियाँ आ गई है? एक भी नहीं आई, वही आई थी वो पानी निकालने वाली, उस दिन तो निकाल ली, पता नहीं निकाला नहीं निकाला, मैं तो उधर ही चली गई थी। निकाला पानी? नहीं निकाला, भाग गए थे। क्यों भाग गए, क्या बोला? पता नहीं, उस उधर पानी करा उनके आंगन में फिर चले गए। जब आप शिकायत करते उनके दफ्तर जाते तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, कह यही बोल देते हैं कि चलो हम भेजते हैं अपने आदमी को, फिर भेजते नहीं। कब से कह रहे हैं? ये तो हो गया 4-5 महीने हो गए ऐसे तोड़ते हुए हमें। उस दिन गाड़ी आई भी थी, यहाँ से पानी निकाले, किसी और के आंगन में पानी करके और भाग गए। एक दिन तो हमें 3 बजे तक दौड़ाते रह गए कि इस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, यहाँ भगाते रहते हैं, कभी किसी के पास भगा, चंदेला के पास भगाते हैं, कभी चड्डा के पास भगाते हैं, कभी और किसी के पास भेजते हैं, कोई काम नहीं करके देखते हैं। हम साफ सफाई की बात करें, कितना है साफ सफाई यहाँ पे? यहाँ बिल्कुल नहीं है साफ सफाई, पानी भी नहीं है पीने का, झुग्गी में पानी नहीं आ रहा है, हम दूसरे एरिया से भर के ला रहे हैं।
कैसा लगता है इधर से जाने आने में बताओ? गंदा लगता है। हाँ गंदा। स्कूल कैसे जाते हो फिर? स्कूल टॉप के जूते से जाते हैं। हाँ तो जैसे कि हमने देखा सर, सर बड़े बड़े बच्चों को जो छोटे बच्चे इतने इतने बड़े बच्चे गोद में लेकर उठाना पड़ता है सर, तब बच्चे जा पाते हैं। जैसे ये बोर्ड आ रहे हैं, अब कहेंगे सर हमें ये परेशानी क्या, यह हम करेंगे, यह हम करेंगे, उस वक्त हमारी हिम्मत दे देते हैं, कहा जी करेंगे, उसके बाद फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। यहाँ के जो पार्षद जी को आप शिकायत करते हो तो वो क्या कहते हैं? जी वो ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता है, आप जो सीवर का काम करते हैं सीवर वाले के पास जाइए। हम सीवर वाले के पास गए, उसके बाद उन्होंने कहा नाली वाले के पास जाइए, नाली वाले के पास गए तो कहते हमारे अंडर है ही नहीं। उन्होंने हमने बोला कि जिसके अंडर में आप उसका नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने हमें जेई का दिया। जेई का देने के बाद वो कहते हम नहीं जा सकते वहाँ पे, हमें ये परमिशन नहीं है यहाँ की, हमारे अंडर में नहीं है, आप एमएलए के पास जाइए। एमएलए के पास जाने पर श्रीमती धनवती चंदीला जी ने कहा कि ये निगम पार्षद का काम है, सुनील चड्ढा आपके निगम पार्षद है, आप उनके पास जाइए। उन्होंने ये बात हमें कही कि हमने ये कंप्लेंट की उनसे कि चड्ढा जी को आप बोलिए, आप एमएलए हैं, आपके पास पावर है, हम जनता है, हमारी कोई नहीं सुनवाई है, जब आपकी सुनवाई नहीं है तो हमारी क्या सुनवाई होगी। तो उन्होंने हमें ये कहा, धनवती चंदीजा जी ने ये कहा कि चड्ढा हमारी नहीं सुनता, अब एक निगम पार्षद एमएलए की नहीं सुनता तो सोचिए वो जनता की क्या सुनवाई करेगा। जब ये सीवर की कोई समस्या नहीं, नाली की कोई समस्या नहीं, जरूरी नहीं कि टी हट्स में रहने वाला इंसान इंसान नहीं होता, जानवर है, हर एक इंसान को अपने अपने सुविधा के लिए बोलने का हक है। यहाँ बोलने के बाद उन्होंने ये डराया है मेरे पीठ पीछे, मैं नहीं था, इससे पहले भी वो ये कह के गए अगर आपने मीडिया वालों को बुलाया तो आपका काम मीडिया वाले ही करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है उसमें। अब उन्होंने ये कहा है अदरवाइज कभी हमें कोई ज़रूरत पड़ गई तो वो तो हमें मीडिया का ही धमकी देंगे कि जाओ मीडिया को बुलाओ वो करेंगे आपका काम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये सुविधा चाहिए, या तो हमारे पानी का निकास किया जाए। 10 बजे तक का शौचालय खुलने का टाइम दिया गया है, 10 बजे बाद शौचालय ऑफ हो जाता है। जिसके घर में सीवर डला, जिसके घर के पास सीवर डला उसके घर में शौचालय बना हुआ है, जिसके घर में शौचालय नहीं उसकी बहन बेटी कहाँ जाएगी, रात को 10 बजे वो ऑफ हो जाता है तो बहन बेटी तो सड़क पे बैठेगी नहीं, एक जेंट्स होता है जेंट्स कहीं पे भी जा सकता है। तो हमें दो चीज़ों की बहुत दिक्कत है, या तो सीवर डलवा दीजिए, सीवर के साथ साथ हम लोग अपने घर में शौचालय बना सकते हैं जिससे हमारी बहन बेटी सुरक्षा रह सकती हैं। हमें बस यही कहना है कि चाहे वो धनवती चंदीला जी हों, चाहे निगम पार्षद जी हों, चाहे एमसीडी का कोई भी कर्मचारी या कोई भी अफसर हो, ये हमारी सुनवाई की जाए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी दरख्वास्त यही है कि सीवर डलवाया जाए, निकास किया जाए पानी का बेहतरीन, और एक शौचालय बनाने के लिए हम लोगों के पास जगह हो या ना हो आप सीवर डलवाइए, हम कुछ भी करके अपना सीवर शौचालय बनवाएंगे जिससे हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहेंगे। आपका शौचालय 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, लड़कियाँ कहाँ जाएँ, यहाँ करने की कोई सुविधा नहीं है, लड़के स्मैक वाले खड़े रहते हैं वहाँ 24 घंटे, लड़कियों को छेड़ते हैं, जाएंगे तो उसको छेड़ते हैं लड़कियों को। ये हालत आप देख सकते हैं किस कदर से पानी का जमाव है, गंदगी है, किसी के घर के आगे नालों की व्यवस्था नहीं की गई है, पर यहाँ के पार्षद और एमएलए एक दूसरे पे काम टाल रहे हैं और काम बीच में छोड़ के अपने हाथ से नाली आप लोगों ने खुद ही बनाया? हाँ खुद बनाया है, देखो दरवाजा ऐसे करते हैं, देखो मेरी गाड़ी देखो, और ये स्कूटी है जिसको दिन दहाड़े यहाँ पे आग लगा दी गई थी और ये जल गया है, जैसे कि देख सकते हो गुंडागर्दी यहाँ पे हो रही है। कुछ नहीं बचा मेरी स्कूटी में, कुछ नहीं बचा, सारे रात में जला दी, बाहर खड़ी थी, लेडीज खत्म हो गई थी तो मैंने वहाँ खड़ी कर दी थी, रात में आग जला के चले गए, और बोल दो तो दरवाजा मेरा ऐसा करके जाते हैं, अब लाइट भी नहीं है और नाली भी नहीं है, कैसे आदमी निकलेगा, कैसे वो ये कुत्ता है, कुत्ते की वजह से बच रही मैं, न मुझे मार देते अब तक। यहाँ पे ना ही सीसीटीवी कैमरे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है, तो अब देखना यही है कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था क्या करती है, क्या एमएलए जागते हैं या पार्षद जी जागते हैं और यहाँ की काम व्यवस्था जो यहाँ की व्यवस्था है नाली सीवर की इस व्यवस्था को ठीक करते हैं। तो दिल्ली से ईशा प्रतिहस्त सुमित के साथ झलको दिल्ली।